बिहार विधानसभा में पिछले दो दिनों से चल रहा गतिरोध मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद समाप्त हो गया, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों को लेकर आज भी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा करता नजर आया। विपक्ष की मांग थी कि एक ओर जहां विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री माफी मांगे, वहीं सदन में आकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को अंततः स्थगित कर देना पड़ा। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच चल रहे वाद विवाद का पटाक्षेप हो गया। आज विजय कुमार सिन्हा विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे। इसके साथ ही दो दिनों से भाजपा और जदयू के बीच चल रही जुबानी लड़ाई भी खत्म हो गई। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा करता रहा। विपक्ष ने सदन के अध्यक्ष से पूछा कि क्या आपसे माफ़ी मांगी गई है। यही सवाल सीएम नीतीश कुमार से भी विपक्ष ने पूछा है। इस दौरान हंगामा करते हुए सदन में विपक्ष वेल तक पहुंच गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन में वापस लौट गए, लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सदन के अध्यक्ष का मामला नहीं है, यह सदन की गरिमा का सवाल है, जिस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा, और जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। तो हम लोग का मांग एक ही है कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री आवे और सदन और आसन से माफी मांगे और इस पर विमर्श होना चाहिए। बिना विमर्श हुए हम सदन नहीं चलने देंगे। यह हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए, ताकि मुख्यमंत्री देश और दुनिया में शर्मसार किया है उन्होंने, और सब लोग उनके किए हुए काम की निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री लजाने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है, और सदन चाहती है कि सदन से और आसन से वो माफी मांगे और इस पर विमर्श हो, तभी सदन चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये आज की घटना नहीं, ये हमेशा इस तरह की घटनाएं घटती है, और जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका राज चल रहा है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है, सारे विधायक अपमानित होते रहे हैं। इसलिए सदन तभी चलेगा जब इन कार्यों पर विमर्श हो और माननीय मुख्यमंत्री आकर सदन से माफी मांगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि माफी बहुत बड़ी शब्द है, ये नहीं होना चाहिए, और आप लोगों की जीत पर करके जीत ऐसी उचित नहीं। देखिए, जो घटना घटी है, इससे पहले भी विधायकों की जो पिटाई हुई, सदन शर्मसार हुआ, पूरा देश देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और बिहार ने तो देखा ही। ये लगातार सदन की गरिमा को गिरावट सदन में आकर के गिराने की साजिश हो रही है। और मैं समझता हूं कि जो दो दिन से गतिरोध है और जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने बिहार के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के आसन में बैठे हुए हमारे अध्यक्ष को जिस अंदाज से उसने डांटा, जिस अंदाज से उसके औचित्य पर प्रश्न उठाया, जिस अंदाज से उन्होंने कहा आप होते कौन हैं।